हेलो 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 ओमकर वापस से आवाज बीच में जा सकती है मुझे बता देना ये जो सेल मैंने लगाए हैं थोड़े कम चार्ज हैं एक्चुअली कल थोड़ा लाइट नहीं थी इसलिए मैं नहीं कर पाया इनको अच्छे से चार्ज।, चार्ज तो बीच में एक और बार वॉइस चली जाएगी हो सकता है मैं दो तीन मिनट बाद कमेंट के ऊपर ध्यान दूं तो प्लीज मुझे बता देना यही मैसेज करना तुम तो हम भाई मार्जिनल कॉस्ट पढ़ लिया हमने अब इसके डेफिनेशन पे जाते हैं मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी ठीक है इसका फॉर्मूला क्या होगा ध्यान देना इसका फॉर्मूला रहेगा टोटल कॉस्ट ऑफ एंथ यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट अगर हम हमारे एग्जाम्पल में देखते हैं लेट से वॉट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ हंड्रेड एंड थर्ड यूनिट तो फॉर्मूला आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ हंड्रेड एंड थर्ड यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ हंड्रेड एंड सेकेंड यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ हंड्रेड एंड थर्ड यूनिट कितनी थी वन लैख सिक्स थाउजेंड माइनस वन लैख फाइव थाउजेंड तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई वन थाउजेंड ठीक है तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ एंथ यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस मार्जिनल प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला यही था टोटल प्रोडक्शन ऑफ एंथ यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन माइनस वन यूनिट ठीक है कई बार क्या होता है लेट से इन्होंने हंड्रेड के बाद डायरेक्ट हंड्रेड एंड थ्री का डेटा दिया रहता है समझ में आ रहा है बीच का डेटा सीधा सीधा गायब रहता है तो ऐसे समय सिर्फ एक सिंगल एडिशनल यूनिट नहीं बनाए इस बार तीन एडिशनल यूनिट बने तो फॉर्मूला बन जाएगा डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन यूनिट डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट माइनस डिफरेंस इन यूनिट ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया मैंने अरे भैया थ्री तो तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट कितना आ गया सिक्स थाउजेंड डिवाइडेड बाय थ्री टू थाउजेंड क्या ये बात क्लियर है देखो वैसे तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल कमॉन्डिटी पर अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन में तुम्हें वन एडिशनल कमोडिटी नहीं दी है थ्री एडिशनल कमोडिटी दी है तो तुम्हें क्या करना है डिफरेंस इन कॉस्ट निकालना है डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट यहां तक क्लियर है जाइए तो देखना डिफरेंस इन आउटपुट क्वांटिटी ऑफ दोस लेवल डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट बिटवीन टू आउटपुट लेवल फॉर्मूले को इन्वर्ट कर देना जिसके पास ये बुक है फॉर्मूला ऊपर नीचे हो गया तो फॉर्मूला है डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट बिटवीन टू आउटपुट लेवल डिवाइडेड बाय ये ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट क्वांटिटी इसका बिहेवियर अपन बाद में डिस्कस करेंगे अब देखना इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है बढ़ना तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब क्या है एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज नथिंग बट मार्जिनल कॉस्ट ये हमने पढ़ लिया था अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट फंक्शन कॉस्ट फंक्शन ठीक है कॉस्ट फंक्शन क्या होता है हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन मतलब क्या होता है अ फंक्शनल रिलेशनशिप अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट क्वांटिटी एंड आउटपुट क्वांटिटी तो प्रोडक्शन चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे वहां पे जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे थे इट वॉज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट क्वांटिटी वर्सेज आउटपुट क्वांटिटी पर ये वाले चैप्टर के अंदर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम इनपुट क्वांटिटी वर्सेस आउटपुट क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं तो कॉस्ट फंक्शन मतलब क्या होता है आइए पढ़ते हैं कॉस्ट फंक्शन रेफर टू द मैथमेटिकल रिलेशनशिप फंक्शन मतलब क्या होता है रिलेशनशिप कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द वेरियस डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट ये क्या बोल रहे हैं कॉस्ट फंक्शन एक ऐसा रिलेशनशिप है यह रिलेशनशिप किस चीज के बीच में वो बोल रहा है प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बीच में देखो प्रोडक्शन फंक्शन में इट वाज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वहां पे इनपुट वर्सेस आउटपुट का डिस्कशन हो रहा था यहां पे इनपुट वर्सेस आउटपुट का कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है है यहां पे एक रिलेशनशिप करनी है। किस चीज के बीच में टोटल कॉस्ट और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यानी ये जो टोटल कॉस्ट बनी है और इसके एलिमेंट्स है यानी टाइप्स ऑफ कॉस्ट हो गए प्रोडक्शन क्वांटिटी हो गई साइज ऑफ प्रोडक्शन हो गया वेरियस अदर फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है करते हैं डिस्कस करते हैं इस बात को तो भैया एक रिलेशनशिप है किस चीज के बीच का रिलेशनशिप है प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बीच में अब ये एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं ठीक है मैंने बोला ना रिलेशनशिप है एक ऐसा रिलेशनशिप है टोटल कॉस्ट और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बीच में ये एलिमेंट कौन कौन से आइए देखते हैं एलिमेंट देखना साइज और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट तुम अगर ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी कल हमने देखा था जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है पर यूनिट कॉस्ट कम होते जाती है स्केल ऑफ ऑपरेशन स्मॉल स्केल कर रहे हो या लार्ज स्केल कर रहे हो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब ये जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है यानी कि ये कॉस्ट की जो बात कर रहे हैं ये तुम्हें पेमेंट करना है किसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को तो बोल रहे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है तुम्हारा टोटल कॉस्ट कितना है लेट से अगर मान लो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं तो टोटल कॉस्ट भी तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा नेक्स्ट अदर रेलिवेंट फिनोमिना लाइक हैविंग अ बियरिंग ऑन कॉस्ट एक्साम्पल टेक्नोलॉजी लेवल ऑफ कैपेसिटी फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्नोलॉजी बहुत हाई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो कॉस्ट ज्यादा भी आ सकती है लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये तुम्हें अभी नहीं समझेगा इंटर में समझेगा एफिशिएंसी अगर तुम फुल एफिशिएंसी से काम कर रहे हो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो कॉस्ट कम हो जाएगी तुम्हारी टाइम पीरियड अंडर स्टडी तुम किस टाइम की बात कर रहे हो फॉर एग्जांपल कोरोना पीरियड की बात कर रहे हो तो यहाँ पे तो कॉस्ट लगी नहीं रही है तुमको सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट लग रही है है ना तो बात यहां तक समझ में आई क्या तुमको हमने बहुत सिंपल सी चीज डिस्कस करी हम बात कर रहे हैं कॉस्ट फंक्शन की कॉस्ट फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट अब ये डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस टेक्नोलॉजी हो गई कितना प्रोडक्शन कर रहे हो ये सारी चीजों के बीच का रिलेशनशिप प्रोडक्शन फंक्शन वॉज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कॉस्ट फंक्शन इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट एंड डिटरमिनेंट कौन कौन से ये सारे डिटरमिनेंट है तो याद रखना है तुमको क्वेश्चन में आ सकते हैं ठीक है यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछो इसके आगे का जो पार्ट है बस हमने कल ऑलरेडी पढ़ रखा है हमें एक बार फॉर्मली सब रीड करना रहेगा जय पटेल सब बढ़िया अब पढ़ाई पे भी ध्यान दे कि हाल मतलब क्या होगा कोरोना में क्या हाल होगा किसी का सब ठीक ही चल रहा है सर सिंक फंड के एग्जाम्पल में लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर दो अच्छा अच्छा वो वाला तुम ये पूछ रही है हर्षिता गोयल बोल रही है ये, ये लाइन एक्सप्लेन करो कॉस्ट एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट बैरियर टू द एंट्री ऑफ अ फर्म इनटू अ बिजनेस कॉस्ट मतलब क्या होता है कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय मी इन द पास्ट मैंने पास्ट में इनकर्ड कर दिया मैंने क्या करा थर्मल पावर प्लांट लगा दिया बड़ा सा ठीक है ये थर्मल पावर प्लांट लगाने में मुझे एक हजार करोड़ रुपए लगे नाउ दिस कॉस्ट इज ऑलरेडी इनकर्ड इन द पास्ट ये पास्ट में मैंने इंकर कर दिए अब मेरे कॉम्पिटिटर है लेट से हर्षिता हर्षिता भी अब चाहती है कि वो एक पावर प्लांट लगाए पावर प्लांट इस्टेब्लिश करे तो मुझे बताओ हर्षिता के लिए क्या हर्षिता ने एक हजार करोड़ खर्चा कर दिए हैं नहीं हर्षिता फ्यूचर में पैसा खर्चा करने वाली है तो मेरे लिए ये संक कॉस्ट है पर हर्षिता के लिए फ्यूचर में इनकर होने वाली कॉस्ट है और ये कॉस्ट बहुत बड़ी है इसलिए वो शायद इस बिजनेस में आए नहीं इसलिए मेरे लिए वॉल दो संक कॉस्ट थी मेरे लिए वो है डिसीजन मेकिंग के लिए बट थर्ड पर्सन के लिए वो कॉस्ट उसने इनकर नहीं करी है हर्षिता ने अब तक ये कॉस्ट इनकर नहीं करी है इसलिए कॉस्ट फ्यूचर में इनकर करेगी उसके लिए संघ कॉस्ट नहीं है मेरे लिए कॉस्ट कॉस्ट है ये सर वाला और एक बार रिप्लेसमेंट कॉस्ट का एग्जाम्पल दे दू रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है लेट से मेरे पास ना एक मशीनरी है ठीक है इससे मैं वन थाउजेंड यूनिट मास्क बनाता हूं पर डे अब कोरोना के चलते हुए मुझको लगा कि नहीं यार एक हजार मास्क से क्या होने वाला मुझे पांच हजार मास्क वाली मशीन चाहिए तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा येज देना पड़ेगा या तो इसको साइड में रख देना पड़ेगा या तो रिप्लेसमेंट को हर्षिता तुम्हारा डाउट क्लियर है आई थिंक लाइव ऑफ नहीं हुआ है सर संक कॉस्ट के एग्जाम्पल में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो आर एंड डी मतलब क्या होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने ना एक ड्रग बनाया ड्रग यानी मेडिसिन बनाई मेडिसिन बनाने के लिए मैंने पास्ट में खर्चा कर दिया अब भैया वो मेडिसिन फेल हो गई या सक्सेसफुल हो गई वो खर्चा तो वापस आ नहीं सकता तो ये वो ऐसा खर्चा जो पास्ट में मैंने इनकर कर दिया है आर एंड डी मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर तुमने रिसेंट इंटरव्यू सुना होगा केजरीवाल के साथ जो था अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है उनके साथ था उन्होंने बोला था इंडिया ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अब तक बहुत कम खर्चा किया अब हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करना चाहिए यानी नई नई मेडिसिन नए नए, नए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी आई पे खर्चा करना चाहिए बात सही है चलो भाई आगे बढ़ते हैं तो हमने कॉस्ट फंक्शन देख लिया कॉस्ट फंक्शन मतलब क्या एक रिलेशन है रिलेशन किस चीज के बीच में टोटल कॉस्ट वर्सेस वो टोटल कॉस्ट जो जो एलिमेंट से बनती है उसके बीच में ठीक है अब वो टोटल कॉस्ट किससे बनती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट से टेक्नोलॉजी की कॉस्ट से साइज पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारी कॉस्ट कितनी आने वाली है ये सारी चीजें अब हम पढ़ते हैं चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट बिहेवियर कि भैया शॉर्ट रन में कॉस्ट किस तरीके से रहती है और लॉन्ग रन में कॉस्ट किस तरीके से रहती है अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और सम कॉस्ट आर फिक्स्ड बाई लॉन्ग रन इज द पीरियड इन विच ऑल द कॉस्ट एंड ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल तो शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम रहता है अगर हम कॉस्ट के एंगल से बात करें तो शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जब कंपनी के पास दो टाइप की कॉस्ट रहेगी फिक्स्ड कॉस्ट भी रहेगी वेरिएबल भी कॉस्ट रहेगी लेकिन अगर वो लॉन्ग रन में चला गया तो लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रहती है ठीक है तो शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच यू हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट कौन कौन सी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट भी रहती है और वेरिएबल कॉस्ट भी रहती है और लॉन्ग रन क्या होता है लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड रहता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रहती है तो क्या सर इसका मतलब यह है कि अगर हम लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें फैक्ट्री रेंट नहीं देना पड़ेगा ठीक है हमें कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं लगने वाली नहीं उसका मतलब यह नहीं होता पहले अपन ना डिफरेंस समझ लेते शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन होता क्या है शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम रहता है जहां पे तुम्हारे पास कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी रहती है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी रहती है और लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम रहता है जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रहती है ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल एग्जाम्पल देता हूं ना एग्जाम्पल देता हूं पहले तो समझना पड़ेगा इकोनॉमिक्स के एंगल से शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन क्या होता है अच्छा क्या बच्चों तुम मुझे बता सकते हो टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट लॉन्ग रन में भी फॉर्मूला तो सेम रहेगा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बट सिंस इन लॉन्ग रन वी डोंट हैव फिक्स्ड कॉस्ट आई कैन से टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीरो प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट देर फॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट सैयद अहमद मेरे इसमें चल रही है सबके इसमें चल रही है तो शायद सिर्फ तुम्हारे इसमें प्रॉब्लम है चलो समझते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है लेट से मैंने क्लासरूम डाली ठीक है मैं बिचारा एक छोटा सा गरीब आदमी मैंने 40 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वाली क्लासरूम डाली मेरे पास जब ये क्लासरूम मैं डालने गया तब लैंडलॉर्ड ने मुझसे टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ रेंट लिया ठीक है अब ना मैं बेचारा गरीब आदमी मेरे लिए दस हजार रुपए देना ही बहुत बड़ी मुश्किल से हो जाता था तो वो दस हजार रुपये मुझसे पर क्लासरूम लेता था मैं एक क्लासरूम में एक काम चलाता था क्यों क्योंकि मैं दूसरी क्लासरूम अफोर्ड नहीं कर सकता था क्या हुआ मेरे पास पहले आया एक स्टूडेंट एडमिशन ले रहे मैंने उसको बिठा लिया फिर एक हफ्ते बाद एक और स्टूडेंट आया करते करते मंथ एंड में मेरे पास हो गए दस स्टूडेंट ठीक है मैंने दस स्टूडेंट में चलाया नेक्स्ट बैच मैंने टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ तो रेंट देना चालू ही रखा नेक्स्ट बैच में मेरे पास ट्वेंटी स्टूडेंट हो गए तो से करते 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 तीन चार बैच में, बाद मेरे पास चालीस स्टूडेंट हो गए बात यहां तक क्लियर हुई अब जैसे ही अगली बैच में मेरे पास सेवेंटी स्टूडेंट हो गए मेरे पास इन स्टूडेंट्स को बिठाने की जगह नहीं थी ठीक है तो ऐसे टाइम पर मैं क्या करूंगा ऐसे टाइम पर मैं एक और एडिशनल क्लासरूम ले लूंगा पहली क्लासरूम का रेंट आ रहा था टेन थाउजेंड अब ये जो एडिशनल क्लासरूम आ रहा है इसका भी रेंट आ रहा है टेन थाउजेंड पर सबसे बड़ा सवाल है मैंने एडिशनल क्लासरूम क्यों लिया लॉन्ग रन समझा रहा हूं मैंने शॉर्ट रन तक नहीं समझाया अब तक शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों समझाता हूं मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मैंने एक नई नई क्लास चालू करी एक, एक, एक करके मेरे पास पहली बैच में दस स्टूडेंट हो गए दूसरी बैच में मेरे पास तीस स्टूडेंट चौथी बैच में चालीस जब तक क्लासरूम की कैपेसिटी चालीस स्टूडेंट थी मैंने पहली क्लासरूम चला ली नेक्स्ट बैच में क्या हुआ फोर्थ बैच में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ गया मेरे पास तो सडनली मेरे पास स्टूडेंट बढ़ गए सेवेंटी स्टूडेंट्स हो गए अब इन सबको तो एक क्लासरूम में बिठा नहीं सकता तो मैंने क्या करा एक एडिशनल क्लासरूम ले लिया अब सवाल यह है कि मैंने एडिशनल क्लासरूम क्यों लिया क्योंकि पहली क्लासरूम की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई थी चालीसेंट से फिर मैंने एक एडिशनल क्लासरूम ले लिया अब मैंने क्या किया देखना एक एडिशनल क्लासरूम लिया ये था मंथ लेट से फेब्रवरी का 70 स्टूडेंट आए बैठे उनको पढ़ाना चालू किया ट्वेंटी फेब को नरेंद्र मोदी जी बोलते ट्वेंटी या ट्वेंटी फेब को मोदी जी बोलते हैं कि भैया लॉकडाउन होगा इस देश के अंदर 21 दिन के लिए और मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का टीचर हूं मैं पहले ही समझ गया कि ये लॉकडाउन सिर्फ इक्कीस दिन का नहीं रहने वाला बहुत लंबा चलने वाला है तो मैंने क्या किया तुरंत लैंडलॉर्ड को बोल दिया कि भैया मैं क्लासरूम खाली कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में हेलो हेलो हाँ जी मैं जब चाहे एडिशनल क्लासरूम बढ़ा सकता हूं जब चाहे एडिशनल क्लासरूम कम कर सकता हूं तो जब मैं इस पोजीशन पे पहुंच जाता हूं कि मैं कोई भी फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैं कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट को ये दस हजार दस हजार दस हजार रुपए की जो मेरे को क्लासेस लग रही थी जब भी मैं ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट मन चाह कम कर सकता हूं मन चाह बढ़ा सकता हूं इसका मतलब अब मैं छोटा आदमी नहीं रह गया अब मैं बड़ा आदमी हो गया हूं मैं शॉर्ट रन में काम नहीं कर रहा हूं मैं लॉन्ग रन में काम कर रहा हूं तो हो क्या रहा है भैया लॉन्ग रन है शॉर्ट रन है दोनों में तेरे को रेंट तो देना ही पड़ रहा था पर शॉर्ट रन में क्या हो रहा था मैं इसको कैपेसिटी को बढ़ा भी नहीं सकता था कम भी नहीं कर सकता था ये कॉस्ट दस हजार की दस हजार ही लग रही थी पर जब मैं इस पोजीशन में आ जाता हूं एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब मैं इस पोजीशन में आ जाता हूं कि इस फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल की तरह ट्रीट करूं जब चाहे क्लासेस बढ़ा दूं जब चाहे क्लासेस कम कर दूं इस पोजीशन में अगर मैं आ गया इसका मतलब अब मैं बड़ा आदमी हो गया हूं अब मैं लॉन्ग रन में काम कर रहा हूं तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कोई टाइम फ्रेम नहीं है बेसिकली एक कंडीशन है कैसी कंडीशन है अगर मैं ऐसी फिक्स कॉस्ट को जब चाहे बढ़ा सकता हूं और जब चाहे कम कर सकता हूं चाहे तो 50 क्लासरूम ले लू चाहे तो जीरो क्लासरूम पे आ जाऊं ऐसी सिचुएशन पे अगर मैं पहुंच गया इसका मतलब मैं लॉन्ग रन में हूं देखो यहां पर क्या हो रहा था यहां पर मैं क्लास कम तो कर सकता था पर बढ़ा नहीं सकता था क्यों क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट चालीस के अंदर ही थे तो मैं चाहकर भी उसको बढ़ा नहीं सकता था ठीक है तो मैं शॉर्ट रन में काम कर रहा था बाद में मैं लॉन्ग रन में चला गया यह अगस्त और नवंबर ट्वेंटी दोनों के लिए रुरोहित दोनों के लिए ये तुम्हें तो ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या रेंट मुझे शॉर्ट रन में भी देना है लॉन्ग रन में भी देना है रेंट एक फिक्स्ड कॉस्ट है पर मैं जब उसको ऐसी कंडीशन में आ जाऊं अपने हिसाब से ट्रीट कर सकूं जब चाहे दो एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट वाले कैपेसिटी को ले लिया जब चाहे दो फिक्स क्लासरूम को ले लिया जब चाहे उन्हें छोड़ दिया ऐसी अगर पावर मेरे पास आ जाती इसका मतलब अब मैं लॉन्ग रन में काम कर रहा हूं हर्षिता तुमने क्लासरूम डाली ठीक है उस क्लासरूम की कैपेसिटी थी 40 स्टूडेंट की जब तुम्हारे पास दस स्टूडेंट थे पहली बैच के अंदर दस स्टूडेंट थे कितनी क्लासरूम ऑक्यूपाई करोगी एक जब तुम्हारे पास सेकेंड बैच में बीस स्टूडेंट आ गए तब तुम कितनी बैच लो, कितनी क्लासरूम एक तीसरी बैच के अंदर तीस स्टूडेंट आ गए कितनी बैच रहेगी एक बैच चलेगी एक क्लासरूम स्किल मिशन तुम क्या बोल रहे हो लॉकडाउन इज अनएक्सपेक्टेड कंडीशन लॉकडाउन अगर सिर्फ और सिर्फ 21 दिन का होता ना तो मैंने क्लासरूम नहीं छोड़ी होती पर मैंने कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया है कि भैया वैक्सीन आने में डेढ़ साल लगेंगे तो डेढ़ साल तक क्लासरूम खोल के मतलब ही नहीं है तो कंडीशन अनएक्सपेक्टेड थी पर मेरा डिसीजन तो प्रूडेंट था सोच समझ के लिया मैंने जब जैसे ही चौथी बैच में 40 स्टूडेंट आ गए तो भी तुमने एक ही क्लासरूम ऑक्यूपाई करी इसका मतलब है तुम अभी क्लासरूम कैपेसिटी बढ़ा नहीं सकते कम भी नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि स्टूडेंट को बिठाओगे किधर लेकिन क्या हुआ नेक्स्ट बैच में फिफ्थ बैच में मेरे पास सेवेंटी स्टूडेंट्स हो गए तो मैंने क्या किया एक और एडिशनल बैच ले, एक और एडिशनल क्लासरूम ले ली उसके बाद वाली बैच में मेरे पास नाइनटी स्टूडेंट हो गए तो दो बैच के अंदर दो क्लासरूम के अंदर मेरे पास एटी स्टूडेंट हुए और मैंने एक और क्लासरूम ले ली सेवेंथ बैच में मेरे पास तीस स्टूडेंट हो गए और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम तक स्टूडेंट्स बढ़ने नहीं वाले तो मैं क्या करूंगा उसको बोलूंगा ले भाई तेरी दो क्लासरूम तू वापस ले ले तो अगर अब मैं इस पोजीशन में पहुंच चुका हूं कि जब चाहे क्लासेस बढ़वा सकता हूं जब चाहे क्लासेस कम करवा सकता हूं अब मैं लॉन्ग रन में हूं इसका मतलब यह नहीं है कि यह फिक्स कॉस्ट नहीं है अरे भाई फिक्स कॉस्ट है इसके भी दस लगेंगे इसके भी दस लगेंगे इसके भी दस लगेंगे लेकिन मैं इसको जब चाहे बढ़ा सकता हूं जब चाहे कम कर सकता हूं मैं इतनी पावर में हूं कि जब चाहे फिक्स्ड कॉस्ट को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकता हूं वेरिएबल मतलब क्या है जिसको कम भी कर सकते हैं जिसको ज्यादा भी कर सकते हैं तो अगर मैं एक ऐसी पोजीशन में पहुंच चुका हूं दैट आई कैन ट्रीट फिक्स्ड कॉस्ट जस्ट लाइक वेरिएबल कॉस्ट आई एम ऑपरेटिंग इन लॉन्ग रन हां इंद्रजीत कुमार गुप्ता यह एग्जाम्पल शॉर्ट रन टू लॉन्ग रन की जंप का है दोनों चीजें इसमें कवर हो रही है क्या तुम्हें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन समझ में है? इससे बच्चों एक और चीज बहुत क्लियर होती है कि तुमने मेरा प्रोडक्शन का चैप्टर देखा ही नहीं अच्छे से तुम लोगों ने एक्चुअली देखी नहीं है चीजें क्योंकि वहां पर मैंने डिटेल में बहुत डिटेल में बताया शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है वहां पे मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया था फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और, और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहां पर बस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिप्लेस कर दिया कॉस्ट से तो तुम लोग बिल्कुल डिटेल में देखते नहीं हो चीजें सर बट जो रेंट पे रूम दे रहा है वो थोड़ी ऐसा करेगा प्रेस्टीज पॉइंट है पुणे के अंदर जहां पे क्लासेस होती है बड़ी सारी क्लासेस खाली पड़ी रहती है तो भैया जो बिल्डर है उसको तो रेंट मिल नहीं रहा अगर मैं उसको बोलूं कि भाई मुझे छह महीने के लिए क्लासरूम दे दे दस हजार रुपए के हिसाब से तो कौन सा बिजनेसमैन साठ हजार रुपए गवाने के बारे में सोचेगा तो वो तो करेगा ही देगा ही ना अभी वो चैप्टर की वीडियो नहीं देखी शिवम तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ क्या इकोनॉमिक्स में हम एक अजम्पन लेके चलते हैं कि एवरी वन इज प्रूडेंट एवरी वन इज रैशनल यानी अगर उसको कहीं पैसा दिख रहा है तो वो बिजनेस करेगा हमारे सब्जेक्ट का नाम ही बिजनेस इकोनॉमिक्स है और एक एग्जाम्पल सेम ही चीज रहेगी अब मैं क्लासरूम की जगह फैक्ट्री बोलूंगा कि पहले लेट से मेरे पास इतनी बड़ी फैक्ट्री थी कि मैं चालीस वर्कर वहां पर रख सकता था धीरे धीरे मेरा काम धंधा बढ़ता गया तो मैंने 70 वर्कर सत्तर वर्कर रख लिए ठीक है सत्तर वर्कर रख लिए तो मैंने मेरे लैंडलॉर्ड को बोला कि मेरे को तेरा बाजू का एडिशनल गोडाउन कुछ टाइम के लिए रेंट पर दे दे जितने टाइम उसको यूज करूंगा उतने टाइम तेरे को रेंट दे दूंगा ठीक है वो भी बोला खाली पड़ा हुआ है ठीक है साहब आप इस्तेमाल कर लो फिर क्या हुआ लॉकडाउन हुआ लॉकडाउन के चलते हुए यूपी बिहार से जो मेरे पास लेबर आई थी वो उठ के चली गई तो ऐसे टाइम पे मैंने उसका एडिशनल गोडाउन छोड़ दिया तो मैं इस पोजीशन में था कि जब चाहे गोडाउन बढ़ा भी सकता था जब चाहे गोडाउन कम भी कर सकता था तो मैं लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रहा हूं ठीक है तो ये एक्चुअली कोई टाइम नहीं है ये एक फेज है अगर तुम फिक्स कॉस्ट को फिक्सड uh, कॉस्ट को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हो तो तुम लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रहे हो कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि चार महीने बाद लॉन्ग रन में आ जाओगे छह महीने बाद लॉन्ग रन में आ जाओगे अगर तुमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि तुम जब चाहे जो फिक्स्ड चीज है उसको बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो तो तुम लॉन्ग रन में चले गए हाँ जी इस पे और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं मेरे हिसाब से लॉन्ग रन शॉर्ट रन मैंने क्लियर कर दिया है आओ पढ़ते हैं शॉर्ट रन क्या होता है शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच फैक्टर आर फिक्स एंड सम आर वेरिएबल शॉर्ट रन में क्या होता है कुछ फिक्स और कुछ वेरिएबल रहते हैं फिक्स फैक्टर है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल फैक्टर है वेरिएबल कॉस्ट ठीक है

एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलता है टोटल फिक्स डिवाइडेड बाय आउटपुट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट थैंक यू ओमकार अभिषेक राज शायद तुमने ही मुझसे एक बार पूछा था कि सर चैप्टर नंबर सिक्स मिसिंग है सो so, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया था कि तुम्हारे पांच चैप्टर हो गए थे तो सिक्स चैप्टर तुमको अभी देखना चाहिए बाद में अपलोड क्यों करूं मैं नेटवर्क प्रॉब्लम ड्यू टू रेन आ रहा है ठीक है वैसे तो डेफिनेटली अपलोड हो ही जाता है लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि अभी कुछ स्टूडेंट सिंसियर हैं जैसे कल मैंने वीडियो जब अपलोड किया तो ऑलमोस्ट फोर्टी फोर्टी फाइव या मैक्सिमम सिक्सटी स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे थे कंटिन्यूसली लेकिन बाद में एक दिन में वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस स्टूडेंट्स ने देख लिया तो अगर वैसी तुम्हारे अंदर है तो तुम बाद में भी देख सकते हो लेकिन लाइव में क्या होता है टाइम कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता मैं देखो तुम्हारे लिए इतने इतने अच्छे अच्छे बैकग्राउंड लेकर आता हूं समुंदर वाले पानी वाले इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए और तुम तुमकी भाग जाते हो हाँ जी कल हमने इसमें से बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी लेकिन जिसको मेरा पढ़ाने का स्टाइल पता है वो जानता है कि मैं हर चीज ग्राफिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाता हूं लेकिन ग्राफ समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक शेड्यूल के ऊपर जाता हूं तो यहां पर ऑलरेडी हमारे पास एक शेड्यूल बना हुआ है आओ मेरे शेड्यूल पे ये है पेज नंबर आज हमारा टारगेट इतना ही रहेगा इस शेड्यूल को समझना सारे ग्राफ्स को समझना कम टू पेज नंबर 6.7, कम टू पेज नंबर 6.7। पॉइंट हां मैं घर से ही क्लास ले रहा हूं थैंक यू यस यस लाइव में टाइम पास नहीं होता है बच्चों पेज नंबर 6.7 पे जो हमने कल डिस्कशन किया था अगर तुमने ध्यान दिया था तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है केक वॉक एकदम मतलब चिंदी गेम है ये तुम ऐसा बोलोगे क्या सर ये पढ़ा भी क्यों रहे हो पर पढ़ाना तो पड़ेगा ना आ जाओ बच्चों ध्यान देना अगर मैं जीरो यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करता हूं एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं मेरी एक फैक्ट्री है के? समझ के चलना पड़ेगा तुम्हें ये फैक्ट्री मैंने रेंट पे ले रखी है दोस्तों बात यहां तक क्लियर है अब यहां पे नंबर थोड़े अजीब से आएंगे पर समझने के लिए ठीक है ये फैक्ट्री मैंने रेंट पर ले रखी है और लेट से मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट टेन है अब ये टेन थाउजेंड है टेन लैख क्या है सिर्फ टेन है ठीक है नंबर्स अजीब अजीब लगेंगे लेकिन तुम्हें मान के चलना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट मेरी टेन है ठीक है अब मुझे बताओ अगर मेरी और मैं बनाता क्या हूं कमेंट करके बताओ क्या बनाता हूं इस फैक्टर में कुछ अच्छा बताना तरुण मिश्रा है कुछ अच्छा बताना नहीं तो मेरे को आजकल भरोसा ही नहीं है तुम लोगों पे। विप्रेश कुमार यस बोल रहे हो क्या यस क्या बनाता हूं मैं यहां पे बताओ टेक्सटाइल टेक्सटाइल मैं यहाँ पे शर्ट बनाता हूँ ठीक है थोड़ा सा अच्छी बड़ी शर्ट बनाते हैं कैसी अजीब शर्ट हो गई पूमा की शर्ट बनाता हूँ ये देखो मेरा लोगो ऐसा है ये हमारा पूमा है चॉकलेट मोबाइल बुक्स ठीक है चलो अपन ने पूमा की शर्ट बना रहे तो फिक्स कॉस्ट मेरा दस है अच्छा लॉकडाउन के टाइम पे ना मेरी फैक्ट्री बंद थी जीरो यूनिट प्रोड्यूस किया बताओ रेंट लगेगा क्या लॉकडाउन मैंने तीन साल का एग्रीमेंट कर रखा है भाई के साथ हर महीने रेंट जाना ही जाना है तो बताओ लॉकडाउन के टाइम भी रेंट जाएगा क्या यस लेकिन लॉकडाउन के टाइम शर्ट नहीं बन रही तो रॉ मटेरियल लगेगा क्या नहीं कच्चा माल लगेगा क्या नहीं वेरिएबल कॉस्ट कुछ लगेगी क्या नहीं अरे भाई प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी क्या नहीं तो जीरो यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो फिक्स कॉस्ट तो लगेगी पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी और आप तो बहुत ज्ञानी हो जानते हो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से क्या बनता है टोटल कॉस्ट सो अगर यूनिट जीरो भी प्रोड्यूस कर रहा हूं तो भी कुछ ना कुछ खर्चा आ रहा है दस का रेंट लगेगा बराबर है बात समझ में आई ठीक है अब मैंने क्या किया मैंने एक यूनिट एक यूनिट बनाने की कोशिश करी सिर्फ एक शर्ट ठीक है अब मैंने एक शर्ट बनाई तो भी रेंट तो उतना ही लगने वाला है दस वेरिएबल कॉस्ट और लग गई मेरे को इस बार एक शर्ट बनाई तो दस रुपए शर्ट के ऊपर लग गए मुझे लेट से तो बच्चों बताओ टोटल कॉस्ट कितनी हो गई ट्वेंटी बात समझ में आ रही है अब और मैंने एक और शर्ट बनाई तो देखना टोटल फिक्स कॉस्ट तो एकदम एंड तक कॉन्स्टेंट ही रहने वाली है दस 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 लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी एटीन अरे मैं एक शर्ट बना रहा था तो दस रुपए का माल लग रहा था दो शर्ट बना रहा तो अठारह रुपए का ही लग रहा है समझ में आ रहा है तुमको यानी कि पर शर्ट कितना लगा मुझे सिर्फ नौ रुपए लगा एवरेज कितना लगा नौ ये क्यों हो रहा है देखते हैं आगे और भी कम होता है क्या पैसा तीन शर्ट बनाई तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट चौबीस रुपए लग रहा है टोटल कॉस्ट थर्टी हो गया तो ऐसे ऐसे करते करते मैंने जब नौ शर्ट बनाई तो मेरा टोटल कॉस्ट देखो कितना आ गया सेवनटी एट रुपीज तक आ गया अब जरा तुम ध्यान देना ध्यान देना बच्चों पहले दस रुपए लगे फिर बीस रुपए फिर अट्ठाईस रुपए थर्टी फोर थर्टी एट फोर्टी टू फोर्टी एट बढ़ रहा है फिफ्टी सिक्स बढ़ रहा है सिक्सटी सिक्स बढ़ रहा है सेवन एट बढ़, बढ़ रहा है बढ़ते ही जा रहा है क्यों क्योंकि मैं एडिशनल प्रोड्यूस कर रहा हूं हा यहां तक टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया तुमको टोटल कॉस्ट का सारी चीजें समझ में मैंने क्या किया कह, तो टोटल कॉस्ट कैसे ऐड करी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट अब अपन ना एवरेज निकालते हैं अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर जब मेरे को टोटल मिल गया तो एवरेज क्यों निकालना है एवरेज क्यों निकालना है मेरा टोटल कॉस्ट एक लाख रुपया रहा है तो क्या मैं एक सिंगल शर्ट एक लाख रुपए में बेच लू नहीं मुझे पर यूनिट कितने रुपए में पड़ रही है वो देखना पड़ेगा तो पर यूनिट कैसे पता चलेगा टोटल कॉस्ट एक लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट दस हजार तो पर शर्ट कितने की पड़ी मुझे दस रुपए की लेट से पड़ी तो एवरेज क्यों निकालते हैं एवरेज इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है हम टोटल की बात क्यों नहीं करते है? अरे भाई टोटल सौ करोड़ लग रहा है मुझे फैक्ट्री में एक साल में तो क्या मैं सिंगल यूनिट जो सिंगल मोबाइल बेच रहा हूं सौ करोड़ में बेच दू नहीं मुझे पता करना पड़ेगा पर मोबाइल कितनी कॉस्ट आने वाली तो मैं क्या करूंगा आउटपुट से डिवाइड करने वाला हूं उसको बात समझ में तो हमारे लिए एवरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम एवरेज निकालेंगे चलो एवरेज निकालेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट टेन डिवाइडेड बाय जीरो Zero, आता है बेसिकली वो फिर टेन फाइव थ्री पॉइंट एवरेज निकाल सिमिलरली मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकालूंगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट सो जीरोड बाड बाई ट 24 डिवाइडेड बाय 3 8 7 6.4 6.33 6.57 7 7.5 ओ भाई साहब इसका मतलब क्या है जब मैं एक यूनिट प्रोड्यूस करता हूं सप्लायर मुझे रुपए का रॉ मटेरियल देता है दो यूनिट प्रोड्यूस करता हूं तो दो यूनिट रुपए में मिल रहे हैं यानी पर यूनिट रुपए में दे रहा है मुझे सस्ता दे रहा है क्यों सस्ता दे रहा है क्योंकि मैं ब... हेलो 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 आवाज़ आ रही है बच्चों आ रही होगी तो जैसे जैसे मैं ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करता हूं मैं ज्यादा रॉ मटेरियल मांगता हूं ज्यादा रॉ मटेरियल जब मैं मांगने लगा उससे तो उसने मेरे को डिस्काउंट देना चालू कर दिया लेकिन एक लेवल के बाद देखो ना मुझे महंगा दे रहा है वो सिक्स पॉइंट फाइव सेवन 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 पॉइंट फाइव महंगा देना चालू कर दिया ऐसा क्यों कर रहा है वो हाँ आज बैटरी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है थोड़ा सा पावर फेलियर हुआ था तो इधर से नहीं हो पाया चार्ज वगैरह सिस्टम मैंने तुमसे यह पूछा बच्चों कि देखना जब अपन ने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाला कैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाला टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट से तो अगर तुम इसका ग्राफ देखोगे तो यह धीरे धीरे गिरता जा रहा है टेन नाइन एट सेवन सिक्स पॉइंट फोर सिक्स पॉइंट थ्री थ्री कम होता जा रहा है लेकिन बाद में बढ़ गया एकदम तो क्यों बढ़ा तो इसके कम होने का रीजन तो मेरे को समझा क्योंकि मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूं इसलिए वो मेरे को डिस्काउंट दे रहा है पर मैं और ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरे को महंगा दे रहा है क्यों प्राइस बढ़ाएगा अगर किसी ने चैप्टर नंबर फाइव देखा होगा तो चैप्टर नंबर फाइव में हमने दो वर्ड डिस्कस कर रहे थे पहला है इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी एडवांटेज मिलता है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन का और बाद में इकोनॉमीज गेट कन्वर्टेड इनटू टू डिस इकोनॉमिक मतलब क्या है पहले मैं जब उसके साथ ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा था ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस कर रहा था मेरे को डिस्काउंट दे रहा था लेकिन एक लेवल के बाद उसको समझ में आ गया कि भैया ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है चलो उसको महंगे में बेचना चालू करो ये टेंडेंसी है ह्यूमन टेंडेंसी एक बार आप किसी पे डिपेंडेंट हो गए उसके बाद वो आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज करना चालू कर देगा तो सेम चीज होने लगी पहले मैं जब बल्क में प्रोड्यूस करना चालू करा उसने मेरे को डिस्काउंट दिया अब मैं ऐसे सर्कल में फंस गया क्योंकि अब मेरे पास इतने ऑर्डर आने लग गए कि मैं प्रोडक्शन तो रोक नहीं सकता अब मैं इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया और ऐसे चलते हुए उसने रेट बढ़ा दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया यस। मोनोपोली yes. नहीं हुई है डिपेंडेंसी हो गई हर्षिता हम उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं हाँ जी तो यह चीज समझ में आई पहले तो हमने शेड्यूल कैसे बनाया वो देख लो उसके बाद हमने ना क्लीन करता हूं थोड़ा इसको हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाला एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को एड कर दो या फिर दूसरा तरीका तुम्हारे पास क्या है दो तरीके निकालने के एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने का एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल के या फिर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट टेन डिवाइडेड बाय बाई जीरोनाइट ट्वेंटी डिवाइडेड बाय वन 8 8, 8, 8 8 ये चीजें हैं। या फिर एक काम कर सकते हो इनको भी ऐड कर सकते हो आंसर सेम ही मिलने वाला है ठीक है तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट से मिलेगा तुम्हें एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से एवरेज टोटल कॉस्ट मिल जाएगा सर लेकिन मार्केट में और भी तो सप्लायर होंगे तो देखो ये प्राइस कम कर रहा है ना मान्या ये प्राइस कम क्यों कर रहा था इनिशियली ये प्राइस कम इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसको पता है कि मैं इसको डिस्काउंट नहीं दूंगा तो मार्केट में किसी और के पास ले जाएगा तो यहां तक उसको समझ में आया कि डिपेंडेंसी है सॉरी डिपेंडेंसी नहीं है लेकिन एक लेवल के बाद जब उसको समझ में आ जाएगा कि भाई अब ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ये पचास पचास हजार यूनिट उठाता है मार्केट में कोई इतना इसको प्रोवाइड नहीं करके देगा तब वो प्राइस बढ़ाएगा तब तक तो वो भी प्राइस कम करते रहेगा क्यों क्योंकि उसको पता है कि ये किसी और पे डिपेंडेंट हो सकता है किसी और के पास जा सकता है लेकिन एक बार उसे समझ में आ गया कि अब कोई दूसरा बंदा भी इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता तब वो उसका रेट बढ़ा देता है मान्य समझ में आया तुम्हें यस yes. तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट ठीक है अब बच्चों लास्ट अपन बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की फिर अपन सिर्फ ग्राफ्स देखेंगे और ये अपना चैप्टर का शॉर्ट रन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट कॉस्ट मैंने क्या बोला था ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एक जब तुमने जीरो यूनिट बनाया तब कितना खर्चा आया था जीरो यूनिट बनाने पर दस रुपए खर्चा आया था जब तुमने एक यूनिट बनाया कितना खर्चा आया बीस रुपए तो जीरो से वन पे जाने के लिए जब तुमने एक एडिशनल यूनिट बनाया बताओ कितना एडिशनल खर्चा लगा ट्वेंटी माइनस टेन फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ जीरो यूनिट ट्वेंटी माइनस टेन इज इक्वल टू टेन किसका कोई सॉल्यूशन नहीं है शिवम हेलो हाँ। ठीक है अब मैंने ना एक और एडिशनल यूनिट बनाने की कोशिश करी जैसे ही मैंने एक और एडिशनल यूनिट बनाने की कोशिश करी अट्ठाईस रुपए लगे टोटल तो मुझे बताओ दो एक यूनिट बनाने का कितने रुपये बीस दो यूनिट बनाने के अट्ठाईस तो जब मैं एक से दो पे जंप मारा तो एडिशनल कॉस्ट कितना लगा आठ रुपए